गाड़ी किसकी थी धीरज जी? धीरज जी कुछ तो बोल दीजिए, आपका नाम आ रहा है धीरज जी? गाड़ी किसका नाम आ रहा है धीरज जी? क्या कहना चाहेंगे धीरज जी? तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सत्ता शीर्ष करीबी विनोद सिंह ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। उनसे दूसरे दिन ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। बताते चलें कि इससे पहले ईडी ने आर्किटेक्ट विनोद सिंह को समन भेजकर 9 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस समन के आलोक में हाजिर होने पर शुक्रवार को उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसकी और पारिवारिक सदस्यों की आमदनी और संपत्ति से संबंधित सवाल पूछे गए। इसके अलावा उसके मोबाइल से निकाले गए व्हाट्सएप मैसेज को दिखाकर उससे सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान उसने व्हाट्सएप मैसेज से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए, जबकि कुछ को टालने की कोशिश की गई। ईडी ने विनोद सिंह से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ किए गए चैट से जुड़े ज़्यादा सवाल किए गए। साथ ही कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ हुई बातचीत और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हुए लेन देन से जुड़े सवाल भी किए गए। सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार सिंह के मोबाइल से कई जेल अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उगाही से जुड़े चैट भी मिले हैं। ईडी ने पूछा है कि किन किन आईएएस और आईपीएस अफसरों से ट्रांसफर के बदले कितने पैसे वसूले हैं और उन पैसों का इस्तेमाल कहां कहां हुआ है। यह भी पूछा गया है कि हेमंत सोरेन के सीएम रहते कहां कहां से पैसे की उगाही की है और उसका निवेश कहां हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार सिंह के मोबाइल चैट से कई जगह प्रॉपर्टी खरीद की जानकारी मिली है। ईडी ने विनोद सिंह के कई बैंक ट्रांजेक्शन से जुड़े डिटेल भी तैयार किया है। इसी आधार पर निवेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के तार जोड़ रही है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राज्यसभा धीरज साहू जो है राज्यसभा सांसद ईडी जो ऑफिस पहुंच चुके हैं, जिसके बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। बीते 29 जनवरी को बता दें कि दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास से जब कार के संबंध में सांसद धीरज साहू से पूछताछ की जाएगी। यही इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह से पूछताछ जारी है। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू का मोबाइल फोन का डाटा जांच के लिए लिया। ईडी ने दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री के आवास से जब्त कार के सिलसिले में पूछताछ के लिए सांसद धीरज साहू को समन भेजकर 10 फरवरी को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। बता दें कि ईडी ने कोलकाता में प्रेमनाथ अग्रवाल के घर पर छापेमारी की दौरान मिली जानकारी के बाद गुरुग्राम स्थित एक आलिशान फ्लैट पर छापा मारा था। अग्रवाल ने इसे अपना कार्यालय बताया था, जबकि वहां मौजूद केयर टेकर ने फ्लैट को सांसद धीरज साहू को बताया था। अग्रवाल के बेटे योगेश ने दिल्ली से कार जब्त होने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप से मिली जानकारी और गुरुग्राम स्थित फ्लैट से जब्त दस्तावेज के मद्देनजर सांसद को समन जारी किया गया है। तो कई चौंकाने वाले खुलासे जो है दिन प्रतिदिन हो रहे हैं और आगे आप जो है देर शाम क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं यह भी आपको बताएंगे। फिलहाल क्या कुछ पूछताछ चल रही है और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी की रिमांड पे है, लगातार पूछताछ की जा रही है सभी को आमने सामने बिठाकर। और ईडी कार्यालय में देखिए कि किस तरीके से जो है आज पूछताछ के लिए जब पहुँचे राज्यसभा सांसद धीरज साहू और विनोद सिंह, तो क्या कुछ हलचल वहाँ पर चल रही थी। आगे हम इस अगले वीडियो में और भी नए अपडेट्स आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहे लाइव लगातार, रांची समय कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।